चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। 80 और 90 के दशक की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में नाम शुमार था सोनू वालिया का, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनका नाम धुंधला सा हो गया है। जी हाँ, मिस इंडिया रह चुकी हैं अपने जमाने की, लेकिन लोग जो हैं इन्हें अच्छी तरीके से पहचानते भी नहीं। नाम के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही कम पॉपुलैरिटी बटोरी इन्होंने, लेकिन वहीं अगर इनकी बात की जाए 80 और 90 के दशक के बारे में तो इन्होंने कई ऐसे फिल्में दी हैं जिसमें इनके अभिनय की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है। अपने समय की सबसे लंबी हीरोइनों में सोनू वालिया का नाम शुमार था। एक वो समय जब बोल्ड सीन देना पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, उस समय सोनू वालिया ने बोल्ड सीन दिए और आज उनका जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं सोनू वालिया को अपनी जिंदगी में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिले और इन उतार चढ़ावों को लेकर सोनू वालिया का क्या कहना है, वो भी हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं। बीते जमाने की मशहूर अदाकाराओं में से एक नाम शुमार है सोनू वालिया का। जी हाँ, 80 और 90 के दशक की सबसे चहेती एक्ट्रेस रही हैं सोनू वालिया, जिनका जन्म दिल्ली की पंजाबी फैमिली में 19 फरवरी 1964 को हुआ। वैसे तो सोनू की जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको उनकी जिंदगी के कई ऐसे राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। उनके ज़िंदगी के ऐसे किस्सों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोनू ने मॉडलिंग को अपना करियर बनाया और उनका ये निर्णय बहुत ही सही साबित भी हुआ, क्योंकि उन्हें मॉडलिंग में बहुत कम समय में ही अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो गई थी। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लेकर अपनी किस्मत को आजमाया। 1985 का वो समय था जब मिस इंडिया बनकर उन्होंने अपने सपने को भी पूरा किया और उसके बाद सोनू वालिया ने अपना रुख किया बॉलीवुड की तरफ। जी हां, मिस इंडिया बनने के बाद जैसे ही उन्हें सफलता के पंख लगे, जिस काम में वो हाथ डालती वो सफल ही हो जाता। मिस इंडिया का ताज अपने सर पर रख कर उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख कर लिया। 1988 में रेखा के साथ फिल्म खून भरी मांग में सोनू ने भी अभिनय किया। हालांकि इस फिल्म में मुख्य किरदार रेखा को दिया गया था। सोनू की बेहतरीन अदाकारी को देखते हुए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, 1988 में फिल्म आकर्षण से सोनू वालिया ने सभी को अपनी ओर मानो आकर्षित कर लिया। इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे और आपको ये भी बता दें, बोल्ड सीन देने के बाद मानो उन्हें रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई। जी हाँ, उस दौर में रुपहले पर्दे पर इतनी हॉटनेस उतार देना आसान नहीं था, लेकिन ये सोनू वालिया का कॉन्फिडेंस था जिससे वो अपनी ही फिल्म में इतना बोल्ड सीन बड़ी ही आसानी से कर गई। इस फिल्म में सोनू के प्रदर्शन से राकेश रोशन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने अपनी फिल्म खून भरी मांग में सोनू को साइन कर लिया। जी हाँ, इसके बाद भी सोनू हमें कई तरह की बेहतरीन फिल्म में देखने को मिली, जैसे कि महादेव, कलर्क, महासंग्राम, तेजा नंबरी, तहलका दिल, आशना है, निश्चय। इन फिल्मों में सोनू ने बेहतरीन किरदार निभाया। इसके बाद सोनू ने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। दरअसल एक के बाद एक उनकी कई फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा और इस तरह सोनू का एक्टिंग करियर बड़े से छोटे पर्दे पर होता हुआ खत्म हो गया। जय मां शेरावाली साल 2008 में आई
सोनू की आखिरी फिल्म थी। उससे पहले वो 2001 में कसम और 1995 में जल्लाद में देखी गई थी। बॉलीवुड को अचानक अलविदा कह देने के सवाल पर सोनू ने एक बार कुछ इस तरह से बड़ा बयान दिया था कि तीनों खान की वजह से मुझे काम नहीं मिला। दरअसल सोनू लंबी थी और तीनों खान की ऊंचाई कम थी। सोनू कहती है कि उस जमाने में लंबी लड़कियों को फिल्में नहीं मिलती थी, खासकर उस लड़की को जो हीरो से भी लंबी हो। भला की खूबसूरती और मिस इंडिया रह चुकी सोनू वालिया हाल के वर्षों में जब एक फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर देखने को मिली थी तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। और यहाँ पर ये भी बता दें, अचानक ही सोनू तब ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने अज्ञात शख्स के खिलाफ अश्लील मैसेज और तस्वीर भेजने के लिए FIR करवाई थी। बता दें आप लोगों को कि सोनू ने शादी करी लेकिन उनका शादीशुदा जीवन भी ठीक प्रकार से चल नहीं पाया। मॉडल एक्टर सोनू वालिया मनोवैज्ञानिक और पत्रकारिता की छात्रा रही। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2000 में होटल कारोबारी सूर्य प्रकाश से शादी करी लेकिन किडनी खराब होने के बाद 2010 में उनके पति का निधन हो गया और उसके बाद सोनू ने दूसरी शादी का फैसला लिया। पति के देहांत के बाद सोनू के जीवन में NRI फिल्म प्रोड्यूसर प्रताप सिंह आए जिन्हें सोनू ने अपना हमसफर चुना। हाल की बात करें तो सोनू की एक लड़की भी है और अब वो अपने परिवार के साथ US में ही रहती हैं। सोनू वालिया का ऐसा मानना है कि उनका करियर जो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ तीन खान थे। जी हाँ, सोनू वालिया ऐसा मानती है, एक वो समय था जब सिर्फ और सिर्फ हीरो का बोलबाला था और उस समय में भी आप जब इतनी ज्यादा लंबी हो जिससे आपकी हीरो की से भी आपकी हाइट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लोग आपको निगलेक्ट करना शुरू करते हैं और यही वजह हुई कि बॉलीवुड से इनका करियर खत्म होता गया। छोटे पर्दे पर आई लेकिन धीरे धीरे करते करते इनकी जिंदगी से फिल्मी सफर खत्म हो गया और उसके बाद पति का देहांत और फिर दूसरी शादी करके यह पूरी तरीके से US में सेटल हो गई हैं जहां पर ये अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहें हमें और हमारे चैनल Next9 News को सब्सक्राइब करना ना भूलें।